मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों की कुंडली का जो खल नायक है, जो सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है, वो है मंगल। मिथुन वालों की कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ और खराब परिणाम देता है हमेशा मंगल, और मंगल की वजह से मिथुन लग्न वालों को क्रोध बहुत आता है, अपने क्रोध पर दिमाग पर काबू नहीं रख पाते, दुविधा कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, और शल्य चिकित्सा सर्जरी की ऑपरेशन की समस्या भी इनके साथ जीवन में अक्सर हो जाती है। अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो आपको क्रोध ज्यादा आता होगा, जल्दी आप जोश में आते होंगे, चोट लगती होगी, जीवन में एक या दो सर्जरी आपकी हुई होगी। कारण इन सब के पीछे आपका मंगल है। मंगल आपको नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, मंगल ही आपकी कुंडली का खलनायक है। कैसे इसे शांत करें, कैसे बैलेंस करें? अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करिए। सेब, अनार, चुकंदर, लाल फल का दान हर मंगलवार को आप करिए, अच्छा होगा। और मिथुन लग्न वाले मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनको लाभ अवश्य होगा। तो मंगलवार को लाल फल का दान करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मंगल जो आपके जीवन में बुरा प्रभाव दे रहा है वो आगे आपको बुरा प्रभाव नहीं देगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न की कुंडली का जो खल नायक है, जो विलेन है, उसे कहते हैं शुक्र। अब आपको लग रहा होगा कि शुक्र इतना शुभ ग्रह है, कर्क लग्न में चौथे भाव का स्वामी है, एकादश का स्वामी है, बुरा क्यों है? एक तो बाधक स्थान का स्वामी है, बाधक है, और दूसरा केंद्र का आधिपत्य है उसके पास, तो केंद्राधिपति दोष भी है उसके पास। यानी कर्क लग्न के लिए सबसे बुरे परिणाम आम तौर पर शुक्र देता है। शुक्र जीवन में रुकावटें और बाधाएं पैदा करता है। शुक्र चूंकि इनका विलेन है, इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की समस्या, प्रेम की समस्या और वैवाहिक जीवन की समस्या अक्सर होती है। कर्क लग्न वाले जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं, जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, भावनाओं में पड़ के, इमोशंस में पड़ के गड़बड़ियां करते हैं, और कर्क लग्न वालों का अमूमन वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता, क्योंकि वैवाहिक जीवन का अधिपति ही इनका बाधक होता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन में इनको समस्याएं जरूर होती हैं, कारण शुक्र। अपने इस खलनायक को, अपने इस विलेन को कैसे बेहतर करें, कैसे रोकें? हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा का हो, माँ लक्ष्मी का हो, माँ काली का हो, किसी भी देवी के मंदिर में जाएं और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। शुक्रवार को देवी के मंदिर में जा करके उनको श्वेत फूल अर्पित करें, आपका ये खलनायक आपको परेशान नहीं करेगा। और साथ में नियमित रूप से सुबह के समय रोज 108 बार नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय रोज सुबह 108 बार जप करिए,
देवी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करिए और देवी को सफेद फूल नियमित रूप से आप अर्पित करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी कुंडली का जो खल नायक है उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।